हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। पार्ट 2 इससे पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना। और ये 200 जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर प्लस जितने क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आगे की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने मैथ की और ऑनलाइन टेस्ट की भी वीडियो स्टार्ट की है, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट है मतलब पूरी, तो वहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और इसके एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनके आंसर भी जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि जेब्रा को 2652181 रूप में लिखा जाता है तो कोबरा को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे जेड आपका 26 नंबर पे आता है, और सबसे पहला यहाँ पे 26 ही लिखा है, ठीक है ना, आप इतना समझ गए तो आपको पता चल गया जो अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे आता है वही नंबर यहाँ पे लिखा गया है। ई आपका पाँचवें नंबर पे आता है तो नेक्स्ट 5 लिख दिया गया है, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है, आर आपका 18वें नंबर पे आता है तो यहाँ 18 लिख दिया गया है, ए पहले नंबर पे आता है तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया है। तो बिल्कुल सीधा सीधा सा मतलब ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको पता होगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड में कर लेंगे, पहले आ चुका है ये। और देखिए यहाँ पे सी आपका तीसरे नंबर पे आता है तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, और ओ आपका 15 नंबर पे आता है तो हम दूसरे पे 15 लिख लेते हैं, बी आपका दूसरे पे आता है तो हम 2 लिख लेते हैं, और आर आपका 18 पे आता है तो मैं 18 लिख लेता हूँ, और ए आपका पहले पे आता है तो 1 लिख लेते हैं। तो हमारा पूरा कोड बन के क्या तैयार हो गया, 3, 15, 2 और 18 और 1। तो अब देख लीजिए आप 3 और 1 5 देख लीजिए, 3 1 5 ऑप्शन बी में मुझे नजर आ रहा है, 3 1 5 2 1 8 1। तो ऐसा करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसमें सेकंड भी नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दी गए श्रृंखला में एक पद टर्म गलत है, नीचे दिए गए विकल्पों में विकल्पों से गलत पद का पता लगाइए। आपको पता लगाना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसी टर्म है जो इस पूरी सीरीज में फॉलो नहीं होती है, यानी कि पूरी सीरीज में एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा बट कोई एक ऐसी टर्म, एक ऐसा पद होगा जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो आपको बताना है। देखिए, इस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए कि इनके बीच में सभी के डिफरेंस सेम हैं, अगर डिफरेंस से नहीं होता है फिर दूसरी स्टेप पे चलते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँ तो कितना आएगा 22, इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँ तो कितना आएगा 37, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँ तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 61, और इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँ तो यह आपका 91, और इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँ तो आपका 127, और इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँ तो ये आपका आ जाएगा 169। यानी कि ये तो डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको इसके सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 22 है, ठीक है, ये तो राइट आंसर के अकॉर्डिंग 19 लिखा है, तो यहाँ पे इन सभी का डिफरेंस सेम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो डिफरेंस आया है उसका भी डिफरेंस चेक करिए। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 22 होगा। अभी आंसर के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी पहले उससे जो आंसर के बिना यानी 27 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 15 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे कितना आएगा आपका 24, यहाँ पे कितना आएगा आपका 30, यहाँ पे कितना आएगा 36, और यहाँ पे कितना आएगा 42। फिर उस अभी भी डिफरेंस सेम नहीं है, फिर उसके बाद हम डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना था हमारा, 15 आया था, डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे 6, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे 6, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे 6, यानी कि जो आपका है इस पहले स्टेप में ही जो भी है मतलब मिस्टेक है, बाकी के स्टेप में डिफरेंस 6 है, तो इसका मतलब बाकी का क्वेश्चन तो ठीक है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे अगर डिफरेंस 6 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस 6 लाना पड़ेगा तो जो हमारा डिफरेंस 15 आ रहा था उसको 18 बनाना पड़ेगा, और जहाँ पे डिफरेंस 22 आया था उसको 19 बनाना पड़ेगा, और उसको 19 डिफरेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पे 24 रखना पड़ेगा, यानी कि 27 के स्थान पर आपका 24 आएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत ही अच्छी सीरीज थी ये, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर लेंगे। करना कैसे मैं आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहले डिफरेंस चेक करिए, फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक करिए, फिर उसका भी डिफरेंस चेक करिए, जब तक डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सीरीज में सारे काउंट कर लीजिए, जो खाली स्थान है उसको भी काउंट करिए और जो लिखा है अल्फाबेट उसको भी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स यहाँ पे टोटल कितना आएंगे, 18 आएंगे। ठीक है, अब 18 में कितने का पेयर बन सकता है आप खुद बताइए, या तो 6-6 के बन जाएंगे पेयर, 6-6 के कितने पेयर बनेंगे, यानी कि 3, 36, 18, या फिर 3-3 के 6 पेयर बन जाएंगे। तो अगर बात करें 18 की, तो इसमें ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो 3 के पेयर बनने के होते हैं, क्योंकि 6 में तो इसमें बस सिर्फ 3 पेयर बनेंगे, तो इतनी लंबी सीरीज बेसिकली नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के पेयर बना के देखते हैं। अगर 3 का पेयर बना तो एक ये बन जाएगा, 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 और एक ये लास्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे नज़र आया कि यहाँ पे तो 333 लिखा है, और एक और यानी कि पहले वाला तो मुझे मिल गया, ए ए ही चलेगा। फिर दूसरे वाले में अगर मैं देखूँ, लास्ट में बी लिखा है और यहाँ पे भी पहले में भी बी है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी बी आ जाएगा, यहाँ पे एक खाली, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे भी बी आ जाएगा। तो इसमें पूरी सीरीज में क्या बना आपका, जहाँ पे खाली था बी ए बी बी, तो आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए बी और बी बी है, ए सॉरी बी ए और बी बी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए, पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप भी। यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं, ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। तो ए जो है सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है, तो मान लेते हैं कि सी बैठा है यहाँ पे, तो उत्तर जो पश्चिम दिशा होगी वो कौन सी होगी भाई, ये देखिए, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा में बोला है सी से 200 मीटर दूर, तो ए यहाँ पे रहता है सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिर बोला जा रहा है बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो जो बी है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, दक्षिण यहाँ पे होता है, पश्चिम यहाँ पे होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगी, और बी रहता है सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो ए का भी हमें पता चल गया, बी का भी हमें पता चल गया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है डी का, तो डी सी से 200 मीटर दूर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है, तो डी कहाँ पे आ जाएगा भाई, दक्षिण पूर्व दिशा ये हो जाएगी, क्योंकि पूर्व ये वाली होती है और दक्षिण आपकी ये वाली होती है, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगी, तो डी यहाँ पे रहता है सी से 200 मीटर दूर, तो हमें डी का भी पता चल गया। ई बोला जा रहा है और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है, तो हमारा यहाँ पे ई आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में 200 मीटर दूर सी से, तो सभी का हमें घर पता चल गया, सी यहाँ पे था और ये ए यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे, ई यहाँ पे और डी यहाँ पे, मतलब ये हमें सभी का पता चल गया। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, उत्तर पूर्व में रहता है, ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, तो ई का दक्षिण देखिए कौन सा होगा, अगर ई यहाँ पे है तो दक्षिण दिशा यहाँ पे है, तो ई के दक्षिण में आपका ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो ई के दक्षिण में डी रहता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एनालॉजी चैप्टर से, और इसको ट्राई करिए और देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं। यहाँ पे है कि 5:100 और नेक्स्ट आपको बताना है 7:100 क्या होगा। तो 5:100 के किस तरीके से बन सकता है, देखिए 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25, और 25 की गुणा 4 में कर दे तो आपका हो जाएगा 25×100। वैसे ही आपको 7 में कर देना है, तो 7 का जो स्क्वायर करेंगे हम कितना होगा, 49, और 49 की 4 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 196, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, और ये सीरीज अभी मैं करा रहा हूँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे होंगे, बट ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 में है
कि 16, 22 और 36 का नेक्स्ट आपको बताना है। तो 16 और 22 का क्या रिलेशन है सबसे पहले देख लेते हैं। तो 4 का आपने स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 3 तो आपका 22। तो ये इस तरीके से चल रही है, यानी कि पहले 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे 36 में क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 3, तो 49 माइनस 3 कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पे 46 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। तो इजीली समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस। आप मुझे लाइक करके बता दिया करें या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। आप लाइक बहुत ही कम करते हो, तो अगर आप अच्छे खासे लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आए कि हाँ आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ब्लड रिलेशन से है। इसमें बोला जा रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, यह मेरी दादी जी की इकलौती पुत्र की पुत्री है, बताएं उस लड़की का विकास के साथ क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर दोबारा से पढ़ते हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, यह मेरी दादी जी यानी कि विकास की दादी जी के इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, उसके खुद के पिता हो जाएंगे। जो लड़का ये बता रहा है इशारा करते हुए, विकास जिसका नाम है इस क्वेश्चन में, तो वो उसके पिता हो जाएंगे। दादी जी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, पिता, और पिता की पुत्री कौन हो जाएगी, उसकी बहन, तो ये उसकी बहन हो जाएगी। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार यहाँ पे समझते हैं। विकास ने एक लड़की के तरफ को इशारा करते हुए कहा है, लड़की बोला है ना क्वेश्चन में, यह कहा कि इशारा करते हुए कहा, ठीक है लड़की नहीं, इशारा करते हुए कहा है, दादी जी की इकलौते पुत्र, दादी जी के इकलौते पुत्र कौन होंगे। आप खुद की फैमिली में अज्यूम करिए कि हमारी दादी जी जो होंगी, आपकी दादी जी जो होंगी, उनके पुत्र क्या होंगे, आपके पापा होंगे ना, तो पापा की इकलौती पुत्री क्या होगी, आपकी बहन हो जाएगी। जो लड़की वो बताई है कि इकलौती पुत्री, वो विकास की बहन हो जाएगी। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, बहन का, तो आपका राइट आंसर बहन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ना थोड़ा सा इस तरीके से वेन डायग्राम बना के, मतलब इस तरीके से डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन को करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती है। बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने कहाँ तक कर लिया। अगर आप बोले कि दादी जी, सॉरी विकास की दादी कि इकलौता पुत्र, तो आपका इतना क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपको पता चलेगा दादी, पहले दादी के बारे में बात की गई, फिर इकलौते पुत्र के, उसके लड़की के बारे में, तो ये कौन लगेगी खुद पता चल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा बना के क्वेश्चन को करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दे रखा है प्रश्न आकृति ये वाली, और उत्तर आकृति आपको बतानी है, यानी कि इस आकृति का रिलेशन जो होगा नेक्स्ट वाली का वही रिलेशन होगा। तो अगर आप थोड़ा से ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सर्कल है, और इस सर्कल को यानी कि इस आकृति को 8 भाग में काट दिया गया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 भाग में कट किया है, तो इसको भी हम 8 भाग में कट कर देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये पहले आ चुका है आरपीएफ में, तो इसलिए मैंने ले लिया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 भाग में यही एक आकृति कटी हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 9 का राइट आंसर क्या रहेगा प्लीज़ बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको हमेशा कराता ही रहता हूँ हर एक वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है भाई, बीच में 120 लिखा है, इसमें 210 लिखा है, बीच में क्या आएगा ये आपको बताना है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर कोई भी नंबर बड़ा है या फिर बीच में लिखा है, तो बाहर वालों का रिलेशन बन के ही कुछ ना कुछ वो बना होगा। तो बाहर वालों का क्या रिलेशन बनाए कि ये वाला आंसर आपका निकल के आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर 5 की और 6 की और 4 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 4 = 120, तो ये आपका 120 हो गया। वैसे आप 6 और 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये हो जाएगा 210। यहाँ पे आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8 और 10 की, तो 8 × 32 और 10 कितना हो जाएगा, 320। तो यहाँ पे आपका 320 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 320 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस दिए होते हैं और बीच वाली फाइंड आपको करनी होती है वैल्यू, तो बाहर वालों का रिलेशन बन के ही ये बीच वाला आंसर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें बताना है 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ये, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखिए मेरा टारगेट जो है आपको क्वेश्चंस कराने का, वो ये है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम से पहले करा दूं। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं, चाहे वो इजी लेवल हो चाहे हार्ड लेवल हो। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की भी कोशिश किया करें। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, तो इसमें जो भी आकृति दी गई है पहली फिगर में, इसका एक तरफ को डायरेक्शन ये है तो दूसरी की ये है,
फिर इसमें भी इसकी डायरेक्शन ये है तो एक डायरेक्शन ये है, बट सी ऑप्शन में दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही है, यानी कि एक ही दिशा में दोनों के साइन हैं, तो ये आपका हो जाएगा भिन्न। क्योंकि इन सभी की अगर आप देख रहे होंगे, एक का अगर इधर को है तो दूसरे का जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ को है, इसका भी यही है, बट इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ईजी था। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें चार फिगर दे रखी है, यानी कि चार अलग मतलब सेम आकृति है बट चार हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में भी आपकी चार हैं ये आकृति, बट इसमें चारों को मिला के एक ही आकृति बना के दे रखी है, तो इसलिए ये ऑप्शन डी भिन्न हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला जा रहा है कि शब्द कॉन्ट्रीब्यूशन को ठीक विपरीत क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको करना कैसे होता है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो रफ शीट मिलेगी ना, उसमें आपको एक काम करना है, सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन लिख लेना है, ठीक है, और उसी के नीचे उसको उल्टा करके लिख लेना है, यानी कि जैसे इन्होंने बोला है विपरीत क्रम में लिखना है, यानी कि सी से एन तक लिखा है आपने पूरा सीधी कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर आपको उल्टा लिखना है एन, यानी कि एन ओ आई टी उल्टा करके लिख देना है, इतना तो आप समझ गए होंगे। फिर आपको ये चेक करना है कि कितने जो अल्फाबेट हैं उनके स्थान अभी तक भी परिवर्तित नहीं हुए हैं। तो जैसे ओ आपका पहले भी दूसरे पे था, अभी भी दूसरे पे है, टी आपका पहले भी ये चौथे नंबर पे था, अभी भी वहीं पे है, टी ये वाला भी पहले जहाँ था वहीं पे है, और ओ भी लास्ट से टू था तो ये भी अभी भी वहीं पे ही है। तो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं आपके जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, तो ये चार हो जाएंगे, ओ टी टी ओ, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, चार ऐसे हैं जो चेंज नहीं हुए हैं। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो एक बार आप जरूर कर सकते हैं अब उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी टाइप का है, इसमें बोला जा रहा है यदि रिप्रेजेंट शब्द को ठीक विपरीत क्रम में लिखा जाए तो परिवर्तन के बाद दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको विपरीत क्रम में लिख लेंगे सबसे पहले। तो विपरीत में आपने लिख लिया, इसको भी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पे रिप्रेजेंट लिखा था, इसको विपरीत में लिख लिया, टी एन ई एस ई आर पी ई आर, तो ये आपने लिख लिया। अब इसमें आपको पूछा दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो दाएं से आपका ई हो जाएगा, पहले भी ई था अभी भी ई है, तो पांचवे से जो दाएं से होगा वो आपका ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो कैसे करना होता है वो सीख लीजिए बस। यदि किसी संकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज कम सून हो, और 275 का अर्थ यू गो सून हो, और 867 का अर्थ प्लीज गो देयर हो, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त की गई है, ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है भाई, जैसे यहाँ पे बोला है 358, तो 358 आपने लिखा, और उसके सामने जो कोड बोला गया है प्लीज, जो मतलब अल्फाबेट बोले गए हैं प्लीज कम सून, तो वो आपने लिख दिया सेंटेंस पूरा। फिर दूसरा बोला गया है 275 के लिए यू गो सून, तो ये भी आपने लिख लिया, और 867 के लिए प्लीज गो देयर, ये भी आपने लिख लिया। आप इसमें ये लिखने के बाद, इतना काम करने के बाद में, सबसे पहला जो अल्फाबेट होगा, यानी कि जो सबसे पहले संख्या होगी, या कोई भी वर्ड दिया गया होगा, कोई भी कोड दिया गया होगा, उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है थ्री, तो भाई थ्री आप देखिए किसी दूसरी लाइन में नज़र आ रहा है आपको, तो थ्री दूसरी लाइन में नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी थ्री को हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपको दूसरी लाइन में नज़र नहीं आ रहा है तो थ्री को छोड़ दीजिए, मतलब थ्री को अभी मत करिए। फिर दूसरे पे लिखा है फाइव, फाइव किसी दूसरी लाइन में नज़र आ रहा है, हाँ यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे भी फाइव है। अब इन दोनों लाइन में आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ कॉमन है, तो इसमें सून कॉमन है, तो फाइव किसका कोड हो जाएगा, सून का, तो आप फाइव के लिए ध्यान रखिएगा कि फाइव किसके लिए कोड है, सून के लिए है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एट, एट इस वाली लाइन में भी है, इस वाली लाइन में भी है। अब इन दोनों में ये आप फाइंड आउट करिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन है प्लीज़, तो प्लीज़ एट के लिए कोड हो जाएगा, यानी कि प्लीज़ इसके लिए है और एट के लिए कोड प्लीज़ हो जाएगा। देखिए फाइव के लिए क्या था, फाइव के लिए आपका सून था, प्लीज़ किसके लिए हो जाएगा, ये प्लीज़ आपके एट के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे पहली लाइन में कम बचा और थ्री बचा, तो कम के लिए कौन सा हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ पे आपसे पूछा यही गया कि कम के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त की जाएगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन थ्री,
ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे।